गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आके ब्लॉग्स। तो मैं आपके लिए लेके आया इंटरेस्टिंग ब्लॉग, वीडियो में बने रहें, चलते हैं। मिल गया नदीम। वेट कर रहे हैं भाई। चल आपको हम तो ध्यान जाने के लिए जो मेट्रो है नियरेस्ट हुआ है केंद्रीय सचिवालय, और यहाँ से पीछे आप देख सकते हैं ऑटो मिलते हैं। यहाँ से 30-30 रुपीज़ जो है वो लेते हैं, और आपको जो है हम भी उद्यान की तरफ यानी राष्ट्रपति भवन वहाँ पे आपको छोड़ देते हैं। तो चलिए हम चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। चुके हैं केंद्रीय सचिवालय और यहाँ से हमने लिया ऑटो जिसका फेयर है 30 रुपीज़। अगर शेयर में जाते हैं तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ से टिकट ले लेते हैं और रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, क्योंकि मैंने ऑनलाइन नहीं करी थी तो इसलिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा राष्ट्रपति भवन के लिए। पास निकालना पड़ता है वहाँ से, जहाँ से मैंने आपको दिखाया था वहाँ से पास निकालना पड़ेगा। वहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन है, और ये सर पास लेके फिर आपको यहाँ से एंट्री होगी अंदर जाने के लिए। बाकी मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ प्रॉपर। ये सुन के हुए कि यहाँ पर जो टिकट है वो बिल्कुल फ्री है, चलते हैं अंदर एंट्री करते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें खाने को मिल जाती है, जैसे कि पानी की बोतल, पापड़, चिप्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो गाइस आज है संडे का दिन, तो आज काफ़ी भीड़ है और फ्री टिकट है इसलिए और ज़्यादा भीड़ है। तो चलिए अंदर देखते हैं। भाई कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? भाई कहीं भी जा रहा, तुझे क्या मतलब है? भाई बता दे यार। मैं नहीं बता रहा, सब्सक्राइब वगैरह करते नहीं है लोग। भाई कर देंगे, बता तो दे। बता दे भाई। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आके ब्लॉग्स। तो गाइस मैं आज आया हूँ अमृत उद्यान, नाम से पहले जाना जाता था, और अब जो इसका नाम है अमृत उद्यान, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो नाम है वो चेंज हो गया अमृत उद्यान। और यहाँ की टिकट है बिल्कुल फ्री, और अगर आप किसी के अंदर राष्ट्रपति भवन में जाना चाहेंगे तो 50 रुपीज़ की टिकट है। उसके लिए मैं आपके अलग ब्लॉग बनाऊँगा आपके लिए। बाकी चलते हैं अंदर की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अंदर एंट्री कर ली है, और अभी जो हमें टिकट है राष्ट्रपति भवन की वो नहीं मिली, क्योंकि मैंने ऑनलाइन बुकिंग करी थी, बट वहाँ पे दिखा रहा है ट्राई अनदर स्लॉट, क्योंकि वो पहली स्लॉट जो थी वो फुल हो चुकी है। तो मैं आपको अमृत उद्यान घुमा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर नेक्स्ट टाइम राष्ट्रपति भवन घुमा दूँगा। अबे हर्बल गार्डन तो चल यहाँ से। सारी चेकिंग करवाने के बाद हम अंदर आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं ये हर्बल गार्डन है। बाकी मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पीछे आप देख रहे होंगे गार्डन, क्योंकि हमें जो मेन जाना था वो जाना था राष्ट्रपति भवन, बट उसकी टिकट हमें नहीं मिली, तो हम मिली नहीं आपको, बुक नहीं करी, हो नहीं रही थी इससे। हम अमृत उद्यान चलते हैं। अनसन डाला था, मैं कह रहा था कि मैं डाल देता हूँ, डालने नहीं दिया इसने। अब स्लॉट फुल हो गई भाई, फुल कुछ नहीं। तरह से है ब्यूटीफुल गार्डन, फर्स्ट जो हम घूमेंगे वो है हर्बल गार्डन। सारे व्लॉगर ही मिलेंगे आपको यहाँ पे, जैसे ये नदी में। अभी एंट्री की है हर्बल गार्डन में, और यहाँ पे जो है खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। और मेरे पीछे जब हम आगे जा रहे हैं, देखिए बहुत ही बड़ा गार्डन है और बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत मज़ा आ रहा है। बाकी मैं आपको सारे फ्लावर दिखाऊंगा एक एक करके, चलते हैं अंदर की तरफ। अभी से बाहर आ चुका हूँ, और अब हम आए हैं पेंसोई गार्डन, जो कि हर्बल गार्डन से थोड़ा सा आगे। बाकी मैं आपका आगे व्यू दिखाता हूँ। तरफ और दिखाता हूँ मैं आपको सारे व्यू। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, वीडियो में बने रहें, और मैं आपको पूरा अमृत उद्यान जो है एक्सप्लोर कराऊंगा। और अगर आपने मिस किया तो मेरी गलती नहीं है, बाकी मैं आपको सारे गार्डन एक एक करके दिखाऊंगा। अभी म्यूज़िक देख सकते हैं, पीछे चल रहा है बहुत ही प्यारा म्यूज़िक है, और मज़ा भी आ रहा है। यहाँ पर चलते हैं आगे की तरफ।
गार्डन, इसमें जो म्यूजिक के साथ जो है फुहारे चलते हैं पीछे, और जो हम पानी की बूंदें वो हमारे तक आ रही है, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है धूप में। बाकी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये ब्यूटीफुल सा अपना राष्ट्रपति भवन, देख रहे हैं वो है राष्ट्रपति भवन, और वहाँ पे जो भी हमारे राष्ट्रपति बनते हैं वो यहीं पे रहते हैं। और जो यहाँ पे गार्डन है वो राष्ट्रपति भवन के अंदर ही है, और सारी पब्लिक जो यहाँ पे आई है वो सब फोटो क्लिक कराने के लिए आई हुई है। और ये जो है मुगल गार्डन, पहले था फैमिली उद्यान, बाकी पीछे ये बंद होने वाला है, बाकी चलते हैं आगे देखते हैं। ये है हमारा सामने राष्ट्रपति भवन, जो कि आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति भवन के बाहर ही है अमृत उद्यान। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे, और बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर हैं। ये संडे का दिन और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन वगैरह लगी हुई है, वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट कोई बात नहीं। गाइस हमारा प्यारा सा राष्ट्रपति भवन, जो कि आप देख सकते हैं आपके सामने है बिल्कुल, और उसके बाहर का ये कुछ व्यू है। इसी को अमृत उद्यान कहते हैं, जो कि अमृत, जो कि आपका जो है यहाँ पे राष्ट्रपति भवन के बाहर ही है, जो कि पहले मुगल गार्डन कहा जाता था। मैंने बताया था कि मैं अंदर जाऊंगा, अभी मैं बिल्कुल राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल ही पास हूँ, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन है, और उसके बाहर ये गार्डन है और बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे आके आप फोटो वगैरह भी क्लिक करा सकते हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर राष्ट्रपति भवन के बाहर ही प्यारे प्यारे फ्लावर लगे हैं, वहाँ पर आप फोटो भी क्लिक करा सकते हैं। बाकी चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको व्यू कि क्या क्या है अमृत उद्यान में। यह राष्ट्रपति भवन के जस्ट बाहर का गार्डन, जिसमें प्यारे प्यारे फ्लावर लगे हुए हैं, और आप लोग यहाँ पे आके फ़ोटो भी क्लिक करा सकते हैं। जैसे देख सकते हैं लोग यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, बाकी आप भी आगे करवा सकते हैं। देखते हैं आगे, मेरे पीछे है अभी राष्ट्रपति भवन, और यही है अमृत उद्यान। अंदर जाने की जो है राष्ट्रपति भवन के अंदर जाने की टिकट अलग है, और बहुत ही प्यारा व्यू है यार, और देखिए आप। और बाकी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चल के। अभी जो मैंने आपको राष्ट्रपति भवन के बाहर का जो भी गार्डन था वो दिखा दिया है, और अभी राष्ट्रपति भवन दिखा दिया, बाकी आगे चलते हैं, आगे क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। आज संडे का दिन है और देख सकते हैं आप क्राउड कितना है राष्ट्रपति भवन के बाहर, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। और ये देखिए कितना क्लीन गार्डन है, यहाँ पर अंदर आप एंट्री नहीं कर सकते, सिर्फ जो भी लाइन है वहाँ से लाइन से अंदर चलते रहें, देखते रहें, बाकी चलते हैं अंदर। संडे का दिन और काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, और क्राउड इसलिए भी है क्योंकि यहाँ की टिकट जो है वो फ्री है अमृत उद्यान की, इस वजह से यहाँ पे आपको ज़्यादा क्राउड मिलता है। ये देख सकते हैं आप कितना क्राउड है पीछे, और इधर भी बहुत ज़्यादा क्राउड है, और हम भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन में लगने के बाद अंदर आए हैं, और बाकी आधा जो हमें वो घूम चुके हैं। देख सकते हैं कितना प्यारा रोज है, तो गाइज ये है राष्ट्रपति भवन, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, और मैंने कुछ दूर से शूट किया है और आपको करके दिखाया है कि कैसा लगता है दूर से। और ये कुछ गार्डन है यहाँ पे, बाकी चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं व्यू। गाइस देख सकते हैं आप, ये एमएम थोड़ा सा दूर हैं,
और राष्ट्रपति भवन हमारे सामने है बिल्कुल। और ये बहुत ही प्यारा गार्डन है, यहाँ पे आप फोटो क्लिक करा सकते हैं राष्ट्रपति भवन के जस्ट सामने, और लोग करा भी रहे हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो फोटो है बहुत प्यारी आएगी, बाकी मैं अभी अपनी खुद फोटो क्लिक कराऊंगा फिर आपको दिखाऊंगा प्रॉपर। तो गाइस ये है राष्ट्रपति भवन जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे है, और यहाँ पे प्यारे प्यारे फ्लावर लगे हुए हैं, यहाँ पे आप फोटो भी क्लिक करा सकते हैं और लोग फोटो क्लिक करवा भी रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे जब आप खड़े होकर फोटो क्लिक कराएंगे तो बहुत ही प्यारा व्यू आएगा। और अभी ये 26 तक है ओपन, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, तो आप उससे पहले आके एक बार ज़रूर विजिट कर लें। और संडे के दिन ना करें क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है, और टिकट फ्री है बिल्कुल आराम से आए। बाहर की तरफ राष्ट्रपति भवन का जितना भी एरिया था वो मैंने कवर कर दिया, सब कुछ आपको दिखा दिया है, बाकी मैं आ गया हूँ अंदर की तरफ। अब आप अंदर का देख लीजिए, यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे फ्लावर के अवेलेबल हैं। वहाँ पे वाइट रोज़ है, रेड रोज़ है, येलो रोज़ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आपको। ये है हमारे पास रोज़, रेड रोज़ देख सकते हैं मेरे पीछे, बाकी मैं भी और आपको दिखाता हूँ आगे चल के। भवन के बाहर के बाद जो हम अंदर की तरफ आए थे वहाँ का व्यू मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ, बाकी अभी और भी चीज़ें बाकी हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ चल के आगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर आपको सारे फ्लावर दिखाना चाहता हूँ, मेरा फेस कम देखें, मैं आपको ज़्यादातर फ्लावर दिखाऊँगा एक से। तो चलते हैं फ्लावर देखते हैं, तो आप कंटिन्यू बने रहें वीडियो पर। की तरफ निकल चुके हैं और बाहर की तरफ कुछ ऐसा व्यू है, यहाँ पर लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर, और लोग यहाँ पर फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए रुके हुए हैं। और ये प्यारा सा फुहारा यहाँ पे चल रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू है। और अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, जा रहा हूँ और वहाँ से है बाहर जाने का रास्ता वहाँ है, और यहाँ से व्यू राउंड घूम के फिर वहाँ जाएंगे बाहर, बाकी आप व्यू देख सकते हैं। और काफ़ी क्राउड है संडे की वजह से, देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पर, यहाँ पर सब उठ के फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे हैं। देखिए चलते हैं बाहर की तरफ, पूरा राउंड मार लिया है और अब मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ। ये है बाहर की तरफ रास्ता, और अब देखते हैं बाहर जाके क्या है, क्योंकि हमने जो पूरा राउंड जो है वो घूम लिया है, और अंदर राष्ट्रपति भवन भी पूरा हो गया। बाकी चलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं ये क्या व्यू है बाहर, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, चलते हैं बाहर, बाकी देखते हैं बाहर क्या क्या व्यू है। अच्छा, जब आप अंदर से बाहर आएंगे तो कुछ ऐसा व्यू है, और चलते हैं बाहर देखते हैं प्रॉपर व्यू कितना है। बता दूं कि मैंने अपनी लाइफ में इतने फ्लावर कभी नहीं देखे थे, और इतनी रोज़ की वैरायटी कभी भी नहीं देखी थी, जो कि मैं ऑनेस्टली सच बता रहा हूँ कि लाइफ में मैंने ऐसे ऐसे रोज़ कहीं नहीं देखे थे जो मुझे अमृत उद्यान में देखने को मिले हैं। मुझे तो बस भाई इतना पता था वाइट रोज़ होता है और रेड रोज़ होता है, रेड रोज़ लड़कियों को दिया जाता है, वाइट रोज़ पता नहीं किस लिए होता है,
तो अभी यहाँ पे आया तो मुझे वाइट रोज, येलो रोज, पता नहीं कौन कौन से रोज देखने को मिले। तो अगर आपको भी देखना है तो आपको अमृत उद्यान आना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे व्यू हैं यहाँ पे कि आपको जो यहाँ से फ्लावर देखने स्टार्ट हो जाएंगे, देख सकते हो आप। बाहर जा रहा हूँ, ये है प्रणब मुखर्जी पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि आपको अमृत उद्यान से बाहर जाने का टाइम दिख जाएगा। चुके हैं अमृत उद्यान से और ये है कुछ बाहर जाने का रास्ता, गेट नंबर 35। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, जब तक के लिए बाय। आ चुका हूँ बाहर और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अच्छी लगी तो ही लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, वरना मत करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप ऐसी सपोर्ट करते रहें, मैं आपकी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।